गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और यार अब ये आज फिफ्थ डे है ट्रिप का, मेरी मेगा हिमालयन ट्रिप जो चल रही है, जिसके फेज वन में हम कश्मीर एक्सप्लोर कर रहे हैं और फेज टू में लद्दाख एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी कल लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम आर्मी की गेस्ट हाउस में रुके थे, जिसकी लोकेशन मैं ऑब्वियस रीजन के लिए बता नहीं रहा। और फिर अभी आज हमने आर्मी गेस्ट हाउस से निकल के आ गए थे और मचिल सेक्टर को भी एग्जिट कर दिया है। या पीछे मेरे देख रहे हो वो कुपवाड़ा टाउन है। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में फिर जो हमने परमिट इशू कराए थे उसमें यार फोटोकॉपी खत्म होने वाली है। फोटोकॉपी करा के फिर अब हम आगे निकलेंगे किरण सेक्टर के लिए। फिर आज और कल किरण सेक्टर में ही रुकेंगे। यार अभी ये कलरूस गांव आ गया है। अभी यहाँ से किरण सेक्टर का 2-3 घंटे का ही रास्ता बचा हुआ है। तो अभी टाइम बचे हैं 12, तो हमने डिसाइड किया है कि कालारूस में जो कालारूस केव्स हैं, जिन्हें बोला जाता है किला एरूस, कालारूस मतलब रशियन फोर्ट, इसका जो मतलब नाम मतलब होता है, तो वहीं जाने का डिसाइड किया है। तो अब वहीं जाएंगे यहाँ से। ये यार कालारूस केव जाने के लिए आपको जो मेन कुपवाड़ा कालारूस रोड है उससे टर्न लेना होता है एक ब्रिज की तरफ। हम मचिल से आ रहे हैं तो हमारे लेफ्ट में पड़ रहा है, आप अगर कुपवाड़ा से आओगे तो आपके राइट में पड़ेगा। तो यार अभी हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है और अब यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट हो गया कालारूस के लिए। तो मेरे ख्याल से 2 घंटे के करीब लगेंगे चढ़ने में। ट्रैक बड़ा स्टीप है यार, हमें तो 200 मीटर चलने पे ही सांस फूल गया यार। ये देखो फर्स्ट जो ग्लिम्स है कालारूस के उसका वो ये दिख रही है, ऊपर दिख रही होंगी आपको। अब वहाँ तक जाना है। ट्रैक बड़ा टफ है यार, बट व्यूज़ बड़े सुंदर है। पूरी लोला वैली दिख रही है यहाँ से। तो यार करीब 30-40 मिनट के ट्रैक के बाद हम फाइनली कालारूस केव्स पहुंच गए हैं। कालारूस का मतलब होता है किला अरूस, मतलब इसको रशियन फोर्ट बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से रशिया के लिए रास्ते निकलता है। पुराने टाइम में यहाँ से लोग रशिया जाते थे, ऐसा कहा जाता है। और जो कालारूस केव्स में त्राम खान नाम से जो सबसे बड़ी केव है उसका माना जाता है कि वहां से रशिया के लिए रास्ता है। और त्राम खान के अलावा सतबन नाम की ये जो केव है, सतबन होता है मतलब 7 डोर्स, ये जो 7 डोर्स ये इंडिकेट करते हैं 7 वेज टू रशिया। तो यार सतवन के बारे में एक दूसरा बिलीव ये भी माना जाता है कि ये एक टेंपल है जो पांडव ने बनाया था अपने टाइम में। और 2019 में 2 अमेरिकन एक्सप्लोरर्स आए थे जो इन केव्स को एक्सप्लोर करने आए थे। उन्होंने केव्स में एक्सप्लोर किया, थोड़ा अंदर तक गए तो उन्होंने बताया कि ये केव्स कुछ मीटर अंदर तक जाती हैं बट आगे जाके अंदर बंद हो जाती हैं। तो उन्हें तो कुछ ऐसा मिला नहीं जिससे प्रूव होता हो कि ये रशिया तक जाती हैं। तो अभी जो आप देख रहे हो ये सतवन केव है और यहाँ से जो त्राम खान केव मैं बता रहा था, त्राम खान जो सबसे बड़ी कालारूस केव है वो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर है। बट हम वहाँ नहीं जा रहे यार क्योंकि यहाँ ही चढ़ते चढ़ते काफी हालत ढीली हो गई है, काफी स्टीप ट्रैक है। कालारूस केव के साथ एक दूसरा बिलीफ और दूसरी स्टोरी एक ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में ना लोग इन केव्स को जब एक्सप्लोर करते थे तो अंदर खो जाते थे और फिर अंदर ही डेथ हो जाती थी। तो जब बच्चे पूछते थे कि भाई वो फला इंसान कहाँ गया, अब उनको बच्चों को यूं तो कह नहीं सकते कि मर गया है डेथ हो गई, तो उनको ऐसा कहा जाता था कि वो रूस चला गया, क्योंकि उस टाइम में रूस बहुत ही एक हाई प्लेस मानी जाती थी और दूर भी होता था। तो ऐसा ऐसे फिर धीरे धीरे इनका नाम किलाए रूस कालारूस केव्स पड़ गया। बाकी सच क्या है वो तो यार कह नहीं सकते, ये सारी कुछ ऐसी मिथ्स स्टोरीज हैं जो इन कालारूस केव्स के साथ जुड़ी हुई हैं। कि यहाँ से आपको व्यू दिख रहा होगा पूरी लोला वैली का, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। जितना स्टीप ट्रैक है और जो भी इस ट्रैक को करते हुए थकान होती है ना, वो सारी यहाँ आने के बाद जो व्यू देखने को मिलता है आपको लोला वैली का, उसके सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो आओ तो आप जरूर आओ यहाँ पर, नीचे से अपना खाना पीने का लेके आओ और ट्रैक करके यहाँ पर अपना फोटोज वगैरह लो। अब यहाँ से हमने अपना आगे किरण के लिए निकलेंगे, कुपवाड़ा जाएंगे पहले, वहाँ अपने परमिट्स वगैरह हैं वो कॉपी कराएंगे क्योंकि फोटोकॉपी हमारी खत्म हो गई थी, उसके बाद फिर अपना किरण सेक्टर के लिए जाएंगे।
बॉर्डर टाउन में पहुंच गए हैं हम। अब यहाँ से जा रहे हैं केरन, और केरन के लिए यार अगर आप गूगल मैप्स में केरन डालोगे तो वह आपको पाकिस्तान से दिखा देगा रास्ता जिस पे कि आप जा नहीं सकते। पाकिस्तान वाला केरन दिखाता है, वो इंडिया वाला केरन का कोई रास्ता नहीं दिखाता गूगल मैप्स पे। तो अगर गूगल मैप से हेल्प लेनी है तो आप केरन के बजाय त्रिगम TREHGM त्रिगम आर्मी हेलीपैड इस तरह से गूगल मैप से मिल जाएगा, वो डाल लो आप। वो केरन वाला ही रोड है, त्रिगम से आगे जाके केरन आके मिलेगा आपको। कश्मीर में यार वो रिजवान भाई थे जिनके पास रुके थे, उन्होंने बताया था कि सेब 20-30-40 इस तरह से मिल जाते हैं, तो दिल्ली के कंपैरिजन में तो काफ़ी चीप है। तो अभी यहाँ कुपवाड़ा में एक सेब की रेडी दिखी थी, उस पर लेने गया हुआ है नरेश, तो फ्रेश फ्रेश सेब खाएंगे यहाँ कश्मीर के। तो यार ये वाले हैं इस तरह के, ऐसी शेप पता नहीं आपने पहले देखी है या नहीं देखी है। ये वहाँ पर जेड गली गए थे ना, तो वहाँ पर आर्मी वाले थे, उन्होंने भी दिया था एक, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था, और यह भी बड़ा सस्ता 20 रुपये किलो मिला है। तो सही अच्छा टेस्टी सेब है। तो यार ये त्रिगम आ गया है, TREHGM त्रिगम तो गांव का नाम है, आपको आगे दिख रहा होगा वेलकम टू त्रिगम गैरिसन लिख रहा है। तो केरन जाने के लिए आपको गूगल मैप्स में डालना है त्रिगम टॉप आर्मी हेलीपैड, त्रिगम टॉप। आप से भी किसी से भी रास्ता भी पूछ सकते हो त्रिगम टॉप जाना है हमें कैसे जाया जाएगा, और गूगल मैप्स में भी डाल सकते हो त्रिगम टॉप आर्मी हेलीपैड, तो फिर आप केरन वाले रूट पर पहुँच जाओगे। करालपुरा आ गया, अब यहाँ से जहाँ आपको ट्रक आता दिख रहा है ना, वहाँ से आपको राइट लेना है केरन के लिए। यार ये मेनियल गांव चल रहा है, MELIYAL। अगर गूगल मैप्स में आपको वो जो मैंने बताया था पहले वो डाल के आओगे तो ये गांव के अंदर से दिखाता है राइट टर्न यहाँ पर मेनियल गांव आने के बाद, बट अभी एक लोकल से पूछा तो उसने कहा राइट मत लो, आप सीधा जाओ केरन जाने के लिए। तो आप आओ तो इस बात का ध्यान रखना, सीधा आने के बाद बाकी गूगल मैप्स ने यहाँ से भी रीडायरेक्ट कर दिया है रूट को। मे भी वो छोटा हो, बट हो सकता है उसकी रोड कंडीशंस बेकार हों, इसलिए जो लोकल थे उन्होंने इधर से आने के लिए बताया। यार अभी ये कच्चामा नाम की जगह आई थी, और यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर आपको एंट्री करानी पड़ती है, अपने परमिट्स की एक जेरोक्स कॉपी देनी पड़ती है। करालपुरा से 12 किलोमीटर पड़ती है ये जगह, और फिर अब यहाँ से पीर गली लिखा आ रहा है एक जगह का नाम, शायद पीर की गली हो सकता है उसका नाम, वो है 4-5 किलोमीटर। ये सामने जो दिख रहा है आपको वो मेरे ख्याल से त्रिगम टॉप है, वहाँ पर जैसे मचिल सेक्टर गए थे ना वहाँ पर जेड गली थी, तो ऐसे यहाँ पर मुझे लग रहा है पी गली नाम से जो जगह आ रही है बीच में लिखी हुई वो ऊपर पी गली वही है। बाकी आगे देख के आते हैं क्या मिलता है क्या। यार ये जैसे जेड गली में आ गई बहुत बेस था, ऐसे ही पी गली में भी आर्मी का बेस था, और यहाँ पर परमिशन की कॉपी भी है, एंट्री हुई है, और सामान की भी चेकिंग हुई है। तो यहाँ पर आओ तो यार कोई भी ऐसे गलत सामान मत लेके आना, नार्कोटिक्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। यार अभी तक तो रोड बिल्कुल बढ़िया था पीछे तक, अब यहाँ पर ये दिख रहा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोडी वगैरह डाली हुई है। करीब 2-3 किलोमीटर का ख़राब पैच था, उसके बाद अपना आप सही पैच आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया बटर स्मूथ रोड है, देखो कहाँ तक ऐसा रहेगा। केरन के लिए यही रास्ता है, कितनी देर का रास्ता होगा? ठीक है, थैंक यू।
हैं।